नमस्कार दोस्तों, कुमावत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पृथ्वीराज कुमावत और मैं लाया हूं आज एक नया वीडियो आपके सामने। आप ही डिमांड पर ग्रामर का एक टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। वॉइस ग्रामर का एक टॉपिक है। सब जो टॉपिक है वॉइस, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसे पैसिव वॉइस के नाम से भी जानते हैं, इसको एक्टिव पैसिव के नाम से भी जानते हैं, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो होगा जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे AV, और पैसिव वॉइस जो होगा जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे PV। तो दोस्तों इनके रूल्स पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए वीडियोज आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस से जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके कुछ रूल्स होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाता है जिसके निम्न नियम है। देखिए दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा ऑब्जेक्ट को, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, शॉर्ट में लिखा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर निम्न रूप से बदलते हुए लिखते हैं तथा निश्चित सब्जेक्ट के साथ बाय का प्रयोग करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत सारे रूल्स आएंगे इसके अंदर। पर्टिकुलरली हम बाय लगाते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ होंगे जिनमें टू भी लगाएंगे, किसी में फोर भी यूज करेंगे। तो इससे पहले जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है इनको जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोनाउन चार्ट होगा जिसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम पहला रूल देख रहे थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। तो उससे पहले हमें एक प्रोनाउन चार्ट समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये क्या है, नाउन भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट जैसे ही। तो इसके लिए मैंने बनाया, यहाँ पर देखिए एक प्रोनाउन चार्ट बनाया है। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा गया है SUB, यानी कि सब्जेक्ट, ये है रिलेटिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और यहाँ है ऑब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब्जेक्ट की लाइन में ना पढ़ते हुए एक बार प्रोनाउन चार्ट को मैं आपको बताता हूँ किस तरह इसको पढ़ा जाता है। देखिए, आई माई मी, वी आवर अस, ये जो है इनको हम फर्स्ट पर्सन भी कहते हैं, जो हमारे आगे बहुत काम आएंगे, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लेना। सेकेंड लाइन आती है इसमें, यू योर यू, इसको हम कहते हैं सेकेंड पर्सन। आगे की जो लाइन आती है, ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम हु हूज हुम, यहाँ लाइन शॉर्ट पढ़ रही थी, यहाँ लिखा है, ये जो है हमारे सारे वॉइस में काम आएंगे, इनको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो दोस्तों अब आगे स्टार्ट करते हैं उसी रूल्स को। देखिए, सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चार्ट लेट्स स्टार्ट द रूल्स टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, इसमें जो है एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, तो प्रोनाउन चार्ट के अकॉर्डिंग हमें इसको लर्न करना पड़ेगा। देखिए, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट आई आता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय ये ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, तो उसका क्या कर देंगे, बाय मी। हमने प्रोनाउन चार्ट में देखा था आई माय मी, तो यहाँ मी आ जाएगा। वी सब्जेक्ट हुआ तो बाय अस, यू हुआ बाय यू, कुछ एक ऐसे एक्सेप्शन होंगे जिनमें ये यूज नहीं भी होता है, तो आगे देखेंगे उसको। He by him, she by her, they by them, यही सेम पोजिशन जो है यहाँ पर इसकी रहेगी, यू के अकॉर्डिंग दे की, इट्स अ नॉन सब्जेक्ट ऑल्सो। Who by whom, और देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने नेम, यानी किसी का भी नाम आ जाए, राम श्याम मोहन सीता गीता, तो उसको क्या करते हैं, बाय नेम ही रख देते हैं। तो ये तो था हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, रिप्लेस करना। अब देखिए इधर जो दूसरा चार्ट है इसी के बराबर में, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस रूल्स वही है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो अगर प्रोनाउन चार्ट अच्छे से लर्न है तो आप कर सकते हैं। देखिए ठीक उसका उल्टा किया है, यहाँ पर मी आई कर दिया उसका, अस वी यू यू का यू, हिम ही
her, she, them, they, whom, who, नेम, नेम का नेम, और लास्ट में हमारे प्रोनाउन चार्ट में था इट, इट्स, इट, तो देखिए अगर इट ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका इट ही रह जाएगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये था डेफिनेट सब्जेक्ट के लिए। अगर हमारा सब्जेक्ट इनडेफिनेट हुआ, अननोन हुआ, तो हम उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं लिखेंगे और ना ही उसको यूज करेंगे, ना ही बाय लगाएंगे, ना ही टू लगाएंगे, ना ही फोर लगाएंगे। देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। अच्छा देखो एग्जांपल जो है मैंने लिखा आई प्ले फुटबॉल दिल्ली। I play football daily। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे यहाँ पर देखो I कौन है, सब्जेक्ट है, ये है वर्ब। ये हमेशा वर्ब के बाद हमें क्या मिलेगा, हमारा ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और जो हम रोज देख रहे हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर। बाकी हम लोग इसको क्या डिफाइन कर लेंगे, इसको etc बोलेंगे, others etc। ओके यहाँ मैं वर्ब बोलता हूँ, यह है वर्ब। तो देखिए अकॉर्डिंग टू से एक फॉर्मेट बनाता हूँ जो सिंपल का होगा या पॉजिटिव का होगा, कि हमारे सामने अगर पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, पॉजिटिव, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन ईटीसी, देन द पैटर्न चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इट्स रिलेटेड टू एक्टिव वॉइस एवी, वी चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। So, recognize subject into object, object को first लिख देंगे object, plus helping word must be, आपको use करना ही पड़ेगा यहाँ पर, then यहाँ मैं dash dash कर रहा हूँ, जो आगे आपको एक suspense से मालूम चल जाएगा, आगे क्या आएगा, हम third form use करेंगे, जो मैं रोज में बताऊँगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा by लगा करके subject and then etc, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ से just पहले etc भी लिख सकते हैं और last में बाय सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल यहाँ मैंने लिख रखा है पहले से, पहले हम क्या लिखेंगे स्टार्टिंग में फुटबॉल, तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले फुटबॉल लिखेंगे, क्योंकि फुटबॉल क्या है ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ लिखेंगे फुटबॉल, अभी स्पेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, प्ले था, वर्ब को चेंज करना मैंने नहीं बताया, अब ईटीसी को हम यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ कर दिया डेली, और जो आई है इसके साथ में बाय लगा के मैं कर दूंगा बाय मी। रूल्स हम फॉलो करेंगे, आगे देखेंगे जो जो रूल्स पढ़ेंगे। तो मैंने बनाया फुटबॉल, फिल इन द ब्लैंक्स, देन दिल्ली, बाय मी, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है मैंने सेकंड रूल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते समय बाय का प्रयोग करते हैं, जो हमने फर्स्ट रूल में इसको इंक्लूड किया था, अलग से और लिखा है मैंने। अब देखिए थर्ड रूल है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इट्स अ कंपल्सरी टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस ऑलवेज, या आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है, बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं बनता है। सो फ्रेंड्स देखिए फिर से एग्जाम्पल लिखा है मैंने यहाँ पर, आई प्ले फुटबॉल दिल्ली, आई सब्जेक्ट था, ये वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट ईटीसी, इसको बनाते हैं। देखिए हमने किया था, यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो यहाँ लिखा मैंने फुटबॉल, अब देखिए वर्ब हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर, और मेन वर्ब को क्या कर दिया मैंने, प्ले से बना दिया प्लेड, यहाँ लिख दिया मैंने डैली, और लास्ट में कर देंगे बाय, आएगा क्या हो जाएगा, यस Me, by me। अब हम इसे एक लास्ट रूल और देखेंगे और हमारा वो इसके जो मेन रूल्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। सो लेट्स सी कैरी ऑन। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ रूल अपना हेल्पिंग वर्ब का, जो यहाँ स्पेस किया गया था उस सेंटेंस के अंदर देखते हैं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न रूप से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, बिना आप इसके जो है पैसिव वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और थोड़ा हार्ड पड़ता है, यहाँ मैंने इजी वे में लिखा है। देखिए यहाँ से एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, देखो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर वी वन का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है,
जिसमें ऐसी एस भी होती है। तो अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और थर्ड फॉर्म इज यूनिवर्सल, पहले बता दिया था बिना थर्ड फॉर्म के पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मैंने बार बार लिखा है यहाँ पर। सेकेंड रूल आता है इसका, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही हो एक्टिव वॉइस के वाक्य में तो इसमें यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है थर्ड रूल, अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में इज एम आर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने टेंस, पिछले वीडियो में आप देखना मैंने टेंस पढ़ाया उसमें बिल्कुल शॉर्ट रूप से ऐसे ही लिखा गया उसमें भी, तो इज एम आर वॉज वर्ब के बाद फोर्थ फॉर्म होती है आई एन जी फॉर्म। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, अगर इज एम आर की फॉर्म आती है इज एम आर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, वॉज वर्ब आया है तो वॉज वर्ब के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए इनके साथ क्या करेंगे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। इधर देखिए अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में हैज हैव या फिर हैड इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए इसका थर्ड फॉर्म रहेगी, यानी परफेक्ट टेंस है ये प्रेजेंट और पास्ट का, तो यहाँ हैज हैव के साथ हमने यूज किया है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए लास्ट रूल आता है दोस्तों इसका, मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म। मॉडल होते हैं हमारे कैन कुड मे माइट शैल विल शुड वुड मस्ट इटीसी इसे यूज टू डेयर टू नॉट और टू, इस तरह से डेयर टू आते हैं। तो मैं आपको मॉडल्स का वीडियो अलग से बनाऊंगा इसमें आपको देख लेना। तो यहाँ जो भी मॉडल्स आएगा उस मॉडल को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूल कर यूज कर देंगे और उसके बाद हम यूज करेंगे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें ये हमारा हेल्पिंग वर्ब का रूल्स हो गया है। अब एग्जांपल में देखो यहाँ लिख रखा है आई प्ले फुटबॉल डेली, ये वही एग्जांपल है जो पहले हमने बनाया था। देखिए इसको चेंज करते हैं, हमने स्टार्टिंग में लिखा था फुटबॉल फुटबॉल, आप देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आने पर हम यूज करते हैं इज एम आर, तो फुटबॉल इज सिंगुलर, इज थर्ड फॉर्म लगा देंगे प्ले की हो जाएगी, यस प्लेड फुटबॉल इज प्लेड डेली बाय मी, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब का रूल। तो देखो फ्रेंड्स हमने किया सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब यूज करना, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो तीन तरह से होती है इसको हम देखेंगे। सो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ कुछ मैंने पैटर्न्स लिखे हैं, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब का एक रूल रह गया था हमारा कि एक्टिव वॉइस के वाक्य में अगर सेंटेंस में डू डज हेल्पिंग वर्ब आ जाए जिसके साथ नोट भी हो सकता है फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये डू डज इंटरोगेटिव होते तो नोट आ भी सकता है, नहीं भी आता इंटरोगेटिव नेगेटिव में आता है नोट और इंटरोगेटिव में नहीं आता। तो डू डज आने पर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में इज एम आर, और नोट आएगा तो नोट लगा देंगे और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड इज यूनिवर्सल, यस। नेक्स्ट डिड प्लस नोट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म मतलब इसके साथ वर्ड या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हेल्पिंग वर्ड्स के रूल्स कंप्लीट होते हैं। अब मैंने आगे देखो यहाँ पर लिखा है तीन पैटर्न्स लिखे हैं, एक लिखा है पॉजिटिव का, एक लिखा है नेगेटिव और इंटरोगेटिव, फिर हमारा एक सेंटेंस बचेगा इसमें इंपैरेटिव सेंटेंस जो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी देन द सब्जेक्ट चेंज इनटू पैसिव वॉइस लाइक दिस पैटर्न, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड, यहाँ कुछ स्पेस है जो आगे आपको उसमें चल जाएगा, मतलब यहाँ पर यूज जो होते हैं इसका मतलब बी बींग और बीन, अगर यूज होता है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं हेल्पिंग मतलब थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले यूज करते हैं, याद रखना थर्ड फॉर्म के जस्ट बिफोर, ओके। तो ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड बी बींग बीन इफ यूज देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ईटीसी एंड बाय सब्जेक्ट, मैं आगे आपको इसके एग्जाम्पल और बताऊंगा। नेगेटिव का पैटर्न देखें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी देन द पैटर्न इनटू पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ड फिर नॉट बी बींग बीन थर्ड फॉर्म ईटीसी बाय प्लस सब्जेक्ट, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें वो है इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के टू टाइप्स में लिखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होने वाले और डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होने वाले। तो हेल्पिंग वर्ड में देखिए फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ड पहले आ जाएगी, देखिए यहाँ पर अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही रहेगा
उसके बाद सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाया गया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर अगर उसमें यूज हो रहा है बी बीइंग बीन तो यूज कर देंगे, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ईटीसी और बाय सब्जेक्ट। फिर देखिए नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं व्हाट व्हेन वेयर व्हाई व्हिच हाउ हाउ मेनी हाउ मच हाउ लॉन्ग हाउ फार ईटीसी। ओके, तो कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट मेन वर्ड ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में ही यूज कर देंगे, जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ड था फिर वही रूल फॉलो हो जाएगा। देखिए जस्ट हेल्पिंग वर्ड ऑब्जेक्ट फिर वही बी बीइंग बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड ईटीसी बाय सब्जेक्ट, ऐसे हम लोग यूज करेंगे। अब आगे इसके कुछ रूल्स एग्जांपल देखते हैं उस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले पॉजिटिव का हमने पैटर्न देखा था उधर, तो यहाँ देखिए राम प्लेज फुटबॉल दिल्ली, मैंने इसको पैसिव में चेंज किया है, ऑब्जेक्ट है हमारा फुटबॉल, तो फुटबॉल को पहले ले लिया मैंने। रूल्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं, हेल्पिंग वर्ड में इज एम आर फुटबॉल के साथ इज का प्रयोग किया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्ले का हो गया प्लेड ईटीसी दिल्ली और बाय राम मैंने यहाँ पर लगा दिया। ऐसे ही नेक्स्ट रूल बनाया मैंने यहाँ पर, देखिए नेगेटिव सेंटेंस का, सेंटेंस में क्या है राम सॉरी यहाँ पर आएगा डज नॉट राम डज नॉट प्ले फुटबॉल दिल्ली, तो इसको बनाते हैं फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। अब देखिए डज नॉट आया है तो क्या कर देंगे इज नॉट आई एम नॉट आर नॉट फुटबॉल सिंगुलर इज नॉट प्लेड दिल्ली बाय राम। अब आगे देखें इंटरोगेटिव के दो रूल बनाए मैंने, दो एग्जांपल हैं। डज राम प्ले फुटबॉल दिल्ली, तो डज का आप देखिए यहाँ पर खास बात यह रहेगी कि इंटरोगेटिव है तो पैसिव इंटरोगेटिव में ही रहेगा इसका, ठीक है ना। तो देखिए जो डज आया है तो अब यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ड से पहले हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, एक ही सेंटेंस लिया है ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए, समझ में आ जाए, इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए फुटबॉल लिखा तो हेल्पिंग वर्ड वही सिंगुलर रहेगी इज फुटबॉल, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लेड दिल्ली बाय राम। लास्ट एंड नेक्स्ट रूल है व्हेन डज राम प्ले फुटबॉल दिल्ली, कि राम फुटबॉल रोजाना किस टाइम पर खेलता है, कब खेलता है, तो इसको पूछा गया when का when रहेगा, according to object is a football played daily by Ram। तो ये हमारे तीन तरह के सेंटेंस हो गए, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। पैसिव वॉइस में अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, अब एक लास्ट रहेगा वो रहेगा हमारा इंपेरेटिव जिसको हम देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स वॉइस में हमारा लास्ट सेंटेंस आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी ये होते हैं इम्पेरेटिव यानी आज्ञा सूचक, यानी आदेश के दे सकते हैं किसी को मना करने का, किसी का रिक्वेस्ट करने का, उससे रिलेटेड सेंटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इजी वे मैंने बताया है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं, डू नॉट से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो हम करते हैं यू आर ऑर्डर टू, ये कंपलसरी है लिखना, और उसके बाद सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस आता है हमारा डू नॉट से स्टार्ट होने वाला, तो डू नॉट से स्टार्ट होता लिखेंगे यू आर फॉरवर्ड टू, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है डू नॉट हटाकर, इसमें डू नॉट को हटा देंगे क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी होता है मना करना, आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे और बाकी सब हम ऐड कर देंगे जो मैं आगे एग्जांपल में बताऊंगा आपको। प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होगा सेंटेंस अगर हमारा एक्टिव वॉइस का इंपेरेटिव में, तो लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ देखो लिखा है प्लीज काइंडली हटा कर बाकी शब्द। अब इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो देखिए इंपेरेटिव के रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स जो हैं ओपन द डोर, रूल्स था हमारा फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है, देखिए यह है वी वन, तो इसको हमने बनाया है यू आर ऑर्डर टू, सेंटेंस पूरा ऐसे कैसे आ गया उसमें लिखा था सेंटेंस तो ओपन द डोर। नेक्स्ट है डोंट ओपन द डोर, उसमें लिखा था हमने डोंट की जगह फॉरबेड, तो लिखा यू आर फॉरबेड टू, डू नॉट घटा दिया और बाकी शब्द रह गया कौन से ओपन द डोर। और फिर लास्ट आता है प्लीज ओपन द डोर,
Then the sentence changes into passive voice according to rules in imperative. You are requested. हमने क्या किया यहाँ से, प्लीज काइंडली को हटा दिया और बाकी के वर्ड्स जो है यहाँ यूज कर दिए हैं टू ओपन द डोर। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो था वॉइस पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। बहुत ईजी वे में है, इसके बहुत सारे रूल्स आते हैं, आगे लेट से स्टार्ट होने वाली होती है जिसमें आगे मैं वीडियो बढ़ाऊंगा। आप मुझे अच्छे अच्छे जितने ज़्यादा लाइक करेंगे मैं उससे मोटिवेट होऊंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।